Hey guys, this is your friend Shraddha and welcome back to my channel Be Unique by Shraddha again. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं then please subscribe my channel and hit the bell icon. तो जितने भी मेरे नए वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. और आज का इंटरेस्टिंग वीडियो लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए. अगर आपको लगे कि इसे शेयर करना है, वो यूज़फुल है आपके लिए, तो उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. तो आज का वीडियो मैं करने वाली हूँ नो स्ट्रिप्स के ऊपर. आई थिंक यू रिमेम्बर लास्ट टाइम जो मैंने नाइका हॉट पिंक सेल 2020 का एक वीडियो किया था, तो उसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए थे जो कि मैंने नाइका से ऑर्डर किए थे स्किन केयर प्रोडक्ट्स. तो उसमें मैंने कुछ मॉइस्चराइजर, सॉरी क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर दी फेस शॉप का मैंने ऑर्डर किया था. तो वो किट के साथ मुझे रिसीव हुआ था. तो उस किट में मुझे क्या क्या मिला था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था. तो उसमें अगर आपको याद है कि मुझे कुछ नो स्ट्रिप्स रिसीव हुए थे दी फेस शॉप के, तो मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि इसका रिव्यू मैं जल्दी ही करूँगी. तो यस, ये वीडियो उसके ऊपर ही है. तो आज मैं दी फेस शॉप की नो स्ट्रिप्स का वीडियो करने वाली हूँ जो कि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ. इसके पहले मैंने कभी भी नो स्ट्रिप यूज़ नहीं किए हैं. अगर मुझे लगता है हाँ, लेकिन फर्स्ट मैं आपको बोलूँगी कि मुझे ज़्यादा ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स नहीं है. जनरली हम सबको ही ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन मुझे इतना हाई रेंज में मुझे ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स का इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है. तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा वर्क नहीं करती हूँ. लेकिन अगर मुझे लगता है कभी कभार कि मुझे अभी वाइट हेड्स ज़्यादा हो रहे हैं तो उसे मुझे क्लीन करना है, तो मैं वाव का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क यूज़ कर रही हूँ, करती आ रही हूँ अभी तक. और इसके रिजल्ट की बात करें तो ये मेरे वाइट हेड्स के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, 100% रिजल्ट मुझे दे रहा है. तो इसे छोड़ के मैंने अभी तक कुछ भी यूज़ नहीं किया है, लाइक नो स्ट्रिप्स भी नहीं. तो मैं आज फर्स्ट टाइम नो स्ट्रिप्स यूज़ करने वाली हूँ. तो देखते हैं अभी दी फेस शॉप के नो स्ट्रिप्स किस तरह से वर्क करते हैं मेरे नोज एरिया के ऊपर, जो कि मुझे ब्लैक हेड्स ज़्यादा नहीं है, वाइट हेड्स है. सो देखते हैं अभी वो किस तरह से वर्क करते हैं. सो गाइस, ये है वो नो स्ट्रिप्स दी फेस शॉप के जो मुझे उस किट के अंदर जो मैंने ऑर्डर किया था लास्ट टाइम, फेस वॉश, क्लेंजर एंड मॉइस्चराइजर, उसी किट के अंदर मुझे ये वाले नो स्ट्रिप्स रिसीव्ड हुए थे. तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आज तक मैंने नो स्ट्रिप्स यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि मुझे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर कभी कभार मुझे लगता है कि मुझे उसे क्लीन करना चाहिए, तो आज तक मैंने यूज़ किया वो खाली यही है कि वाव एक्टिवेटेड चारकोल का पील ऑफ मास्क. और इसके रिजल्ट की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे तरह से वर्क कर रहा है मेरे वाइट हेड्स के ऊपर क्योंकि मुझे ब्लैक हेड्स की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. तो इसके अलावा मैं फर्स्ट टाइम नो स्ट्रिप्स यूज़ करने जा रही हूँ, जो कि ये दी फेस शॉप के जेजू वोल्केनिक लावा करके हैं, इसके ऊपर जो लिखा है. तो लेट्स स्टार्ट दी रिमूविंग प्रोसेस. जैसे कि ये उसके अंदर एक पैकेट आता है, तो इसके अंदर ये स्ट्रिप्स आ रही है. तो इसे यूज़ करते हैं हम लोग, इसके ऊपर जैसे लिखा है, इसके पीछे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए इसे किस तरह से आपको यूज़ करना है. तो हाँ, बिफोर यूजिंग द स्ट्रिप्स आपको आपके फेस को अच्छी तरह से क्लेंस करना है और थोड़ा सा वेट रखना है आपकी नोज़ एरिया को. और अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आपके फेस को या फिर नोज़ को आप स्टीम कर लीजिए फॉर 5 to 10 minutes, ताकि आपके जितने भी पोर्स है वो अच्छी तरह से ओपन हो सके और आपकी जितनी भी डर्ट है या फिर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से रिमूव हो सके. इसलिए आपको स्टीम लेना ज़रूरी है. अगर आपको ज़्यादा परसेंट में अगर आपको है ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो ही आपको स्टीम लेनी है. क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैंने स्टीम नहीं लिया है और मैं डायरेक्टली इसे यूज़ कर रही हूँ. तो ये इस तरह से इसे आप कि नोज एरिया में आपको प्लेस करना है एंड आपको जेंटली इसे प्रेस करना है. जितना हो सके आपके नोज एरिया को इसे कवर करने दीजिए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले.
यस और इसका रिजल्ट देखने के लिए हमें 10 to 15 मिनट्स तक इसे वेट करना है, इसे अच्छी तरह से ड्राई होने देना है। और इसे जब आप निकालेंगे, पील ऑफ करेंगे, तो उसे जेंटली पील ऑफ करना है। लाइक अब जैसे कि वैक्स करते हैं उसे, जिस तरह से हम लोग खींचते हैं हेयर निकालने के लिए, हेयर रिमूवल के लिए, तो इस तरह से आपको इसे नहीं निकालना है, इसे आपको जेंटली पील ऑफ करना है। सो लेट्स वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स। सो गाइज अभी 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो अभी मैं इसे जेंटली रिमूव करने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको खींच के निकालना नहीं है, आई एम अगेन टेलिंग यू कि आप जेंटली इसे रिमूव कीजिए। आई थिंक ये अच्छी तरह से हार्ड हो चुका है, ड्राई हो चुका है। एक्चुअली ये स्ट्रिप्स वाइट है, तो इस पे आई डोंट नो ये किस तरह से आपको दिखेगा। बट मुझे लग तो नहीं रहा है कि ये मेरे व्हाइट हेड्स के ऊपर अच्छी तरह से वर्क कर रहा है भी या नहीं, क्योंकि ज़्यादा मेरे व्हाइट हेड्स इसके ऊपर नहीं निकले हैं कंपेयर देन एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ जो कि मैंने आपको दिखाया है वाव का। तो अगर इसकी बात करें तो इसके कंपेयर में इसका रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं आज आपके साथ हॉनेस्ट और जेन्युइन रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो इसके रिजल्ट की बात करें तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स के कंपेयर में थोड़े ज़्यादा है, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं आ रहे हैं। आपको दिख रहा है, आई डोंट नो, तो शायद ये मेरे स्किन के ऊपर या फिर मेरे व्हाइट हेड्स के ऊपर अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तो नॉट नेसेसरी कि ये आपके ऊपर भी ना करे, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया है, तो इसका मैं हॉनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ और मैंने दे दिया है कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। या आप अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, और इसके कंपेयर में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, 100% रिजल्ट है, तो आगे भी मैं इसे ही यूज़ करूँगी। ओके गाइस, सो आज का वीडियो, आज का मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं बार बार देख रही हूँ, क्योंकि मुझे मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो निकल रहा है व्हाइट हेड्स, मतलब निकल गए हैं, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है वो अच्छी तरह से। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस स्ट्रिप्स। ओके सो अगर आप यूज़ करके देखिए आपको इसका रिजल्ट कैसा आता है, अगर आपके व्हाइट हेड्स ज़्यादा है या फिर ब्लैक हेड्स ज़्यादा है, तो शायद ही आपके स्किन के ऊपर अच्छी तरह से काम करे, अच्छी तरह से वर्क करे। सो लेट्स ट्राई दिस। और आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, मेरा हॉनेस्ट एंड जेन्युइन रिव्यू आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलिए। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू वीडियो के एंडिंग में कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे मेरी जितने भी वीडियोस आने वाले उनको देखने के लिए प्लीज़ हिट द बेल आइकन, सो दैट मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।